नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने QS 5 में या फिर Nindo 4 में किसी भी हिंदी भोजपुरी गाने का न्यू ट्रैक कैसे बना सकते हैं, उस पर आप अपना म्यूजिक कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 70 BPM में आप ट्रैक कैसे बना सकते हैं, उस पर अपना म्यूजिक कैसे कंपोज करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आप 80 BPM के ऊपर कैसे ट्रैक बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ लूप्स है, और ये इस लूप्स का लिंक भी है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस लूप्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बिना पासवर्ड के लूप्स हैं, और इन लूप्स की मदद से हम आपको बताएंगे कि आप 80 BPM के ऊपर आप न्यू ट्रैक कैसे बना सकते हो, उस पर आप अपना म्यूजिक कैसे कंपोज कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 80 यहाँ पे BPM यहाँ पे सेट कर देना है, 120 होता है, 80 आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक ट्रैक लेते हैं, और ट्रैक लेने के लिए यहाँ पे हम स्टूडियो का ट्रैक लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेम किक का, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं केवल किक का यूज जो करता हूँ वो केवल सॉफ्ट किक होती है, यानी कि बेस किक होती है। जो DJ सॉन्ग में जो हार्ड किक होती है यूज होता है किक का, वो आपको किक का यूज नहीं करना है, केवल सिंपल किक का ही यूज आपको करना है। वरना जो आप इसमें लूप्स लगाएंगे बिल्कुल अटपटा साउंड यहाँ पे सुनाई देगा, बीट आपकी अच्छी सुनाई नहीं देगी। DJ अगर बीट यहाँ पे लगाएंगे तो DJ की आवाज़ अलग निकलेगी, जो ढोलक लूप्स लगाएंगे या डब लूप्स लगाएंगे वो अलग आवाज़ निकलेगी, तो दोनों मैच एक साथ में नहीं कर पाएंगे। बाद में कहेंगे कि हमारा ट्रैक अच्छी तरह से मैच नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो आप बनाइएगा यहाँ पे, जो आप किक यूज कीजिएगा वो आप केवल सॉफ्ट किक या फिर नॉर्मल किक ही यूज कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास किक है, मैं आपको इसमें ही दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किक लगा लिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं ढोलकी है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मैंने अलग अलग नाम दे दिया हूँ। तो इसको आपको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुन लीजिए इसको, तो ढोलक की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, किक की आवाज़ कम आ रही है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम इसको आवाज़ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, बाद में आप इसकी मास्टरिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जब आप ट्रैक कंप्लीट कीजिएगा बाद में इसकी मास्टरिंग कर सकते हैं। जितनी आवाज़ आप रखना चाहते हैं, जिस लूप्स की, परक्यूशंस की या ढोलक की या फिर किक की, जितनी आवाज़ रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ पे हम आपको ट्रैक सबसे पहले कंप्लीट करके यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आप ट्रैक यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हमारा परक्यूशंस है, ये हमारा लॉन्ग परक्यूशंस है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे वॉल्यूम, परक्यूशंस का आपको ध्यान देना है दोस्तों, परक्यूशंस का आपका जो आवाज़ है बिल्कुल ही नाम मात्र की होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही कम आपको इसकी आवाज़ को रखना है, जैसे परक्यूशंस हो गया, या फिर आपका जो यहाँ पे इफ़ेक्ट लगा रहे हैं, इफ़ेक्ट की भी आवाज़ आपको कम ही रखनी है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखनी है। अब इसको यूज करने के बाद में आपको यहाँ पे रखना है ब्रेक पैटर्न, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक पैटर्न चाहे तो आप बना सकते हैं, वरना बनी बनाई लूप्स आती है उनका आप यूज कर सकते हैं। तो इस ब्रेक का आपको यहाँ पर ला करके यहाँ पर ड्रैग कर देना है यहाँ से, ठीक है। ये फुल नहीं है, 1 बीट 1 लेयर में नहीं है, ये हाफ बीट में है, ठीक है। मैंने आपको 1 लेयर और 2 बीट 1 बीट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, FL स्टूडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरा जो है ढोलकी 1 बीट है, और ये दूसरा वाला ढोलकी है, तो इसको हम यहाँ पर लेंगे। ये अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है, यानी कि जिस बीट पर आप जो म्यूजिक देना चाहते हैं आप म्यूजिक दे सकते हैं, ठीक है। और जो आप बीट लगाना चाहते हैं वो बीट आप लगा सकते हैं। डब लूप्स का आप लगाना चाहते हैं तो डब लूप्स का भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रा परक्यूशंस है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रा परक्यूशंस ही यूज करूँगा यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर डुप्लीकेट फाइल बना लेते हैं। अब इतना आपको करने के बाद में यहाँ पर ये देख सकते हैं भोजपुरी का टोन है, सबसे ज़्यादा भोजपुरी गानों में यूज होता है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको सुनाऊंगा, सबसे पहले इसको डुप्लीकेट फाइल कर लेना है। अब यहाँ पे आना है मिक्सर पे, अब इसकी वॉल्यूम को जो वॉल्यूम आपको कम करना है, कम ज़्यादा यहाँ पे आप कर सकते हैं। ब्रेक पैटर्न जो है आपको फुल ही रखना है, ठीक है, कम नहीं रखना है, फुल ही रखना है आपको उसको, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है।
अब इतना करने के बाद में क्रॉस यानी कि जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट आपको यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों मैं यहाँ पे केवल आपको सिंपल सा आपको तरीका बताऊँगा, ठीक है, फुल ट्रैक बनाने के बारे में नहीं बताऊँगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी मैं लूप्स दे दूँगा, उसकी मदद से आप न्यू ट्रैक कंपोज कर सकते हैं, न्यू ट्रैक बना सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं रनिंग ब्रेक ये है, ठीक है, आप इसको यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब इसमें भी आप अपना, अब इसके बाद में आप डप लूप्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि भोजपुरी गानों में जो 80 बीपीएम का है, अक्सर जो स्लो बीपीएम होता है सबसे ज़्यादा भोजपुरी सेट गाने बनते हैं, ठीक है, तो इसमें डप लूप्स का यूज ज़्यादातर होता है। अब इसके साथ में हम यहाँ पे एक और डप लूप्स लगा लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर कर देंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद में ये हम दोनों इसको कापी करेंगे, फिर यहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे क्योंकि दोनों इसमें वर्क कर जाएगा। अब यहाँ पे ब्रेक पैटर्न में हमको लगाना है इफ़ेक्ट क्रॉस का, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद में इसको हम डुप्लीकेट फाइल करेंगे, यहाँ से हम डुप्लीकेट कर देंगे, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इतना तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट है। फिर इसको हम कापी करेंगे यहाँ से हम इसको पहले कापी कर लेते हैं, ये वाला हम पहले देख लेते हैं, इसको डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, इसको हम पहले यहाँ से लगा लेते हैं इतना, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे डुप्लीकेट, हमें डब लूप्स में लगाना है तो ठीक है, डब लूप्स का पैटर्न अलग ही बनता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक लेयर में हम चार जो किक यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दो ही किक यूज करूँगा, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, डब लूप्स अगर आप कोई पैटर्न बना रहे हैं देख सकते हैं, यहाँ पे आपको किक नहीं करना है, एक एक छोड़ करके यहाँ पे करना है, ठीक है, एक एक करके आपको छोड़ करके ही आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में मैंने एक एक किक को छोड़ दिया हूँ, इस तरह से आप अपना पैटर्न बनाना है। अब इसको आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में ये देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब इसको भी आपको डुप्लीकेट फाइल कर देना है, ठीक है, डुप्लीकेट में इसको आपको बना लेना है। तो इतना तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो आपका ब्रेक है इसको लेकर के इस लूप्स को आपको पूरा सेलेक्ट करना है, फिर इसको आपको डुप्लीकेट कर देना है, इसको आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको आपको आगे बढ़ाना है, इतना आपको पैटर्न यहाँ पे बना देना है, ठीक है। तो ये आपका तो पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। अब इसको आपको और भी यहाँ पे यहाँ तक आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए सुनते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको करनी ज़रूरी है, ऐड ट्रैक करना है, ऐड स्टूडियो ट्रैक आपको एक बना लेना है। इसमें दोस्तों अक्सर भोजपुरी गानों में आप सेट गानों में सुने होंगे घुंघरू की आवाज़ ज़्यादातर सुनाई देती है, ठीक है, तो घुंघरू हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, कहाँ है हमारे पास, ये वाला यहाँ पर है। तो इस घुंघरू को आपको यहाँ पर ट्रैक कर लेना है, यहाँ पर हर किक पर आप यूज कर सकते हैं, हर किक पर या फिर एक दूसरी किक को छोड़ करके आपको तीसरी किक यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब इसको वॉल्यूम को थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कर देना है, घुंघरू ये आपका घुंघरू है, ठीक है, इसको आपको वॉल्यूम को थोड़ा आपको कम ही करना है, अक्सर भोजपुरी गानों में घुंघरू का यूज ज़्यादातर होता है। तो यहाँ से इसको हम करेंगे इवेंट, इवेंट करने के बाद में कट टूल से लेकर आएँगे यहाँ से हम इतना, और हम इसको यहाँ तक इसको हम कट कर देंगे, ग्रीट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, दोनों पार्ट को डिलीट कर दिए हैं हम। और अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम करेंगे एक डुप्लीकेट फाइल, तो डुप्लीकेट फाइल आपको कर देना है, यहाँ पे लगाना है, यानी कि एक एक आपको छोड़ करके ही आपको यहाँ पे लगाना, चाहे तो आप चारों किक में आप इसको यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं तो आपको यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। हर तरह का पैटर्न बनता है, चारों किक में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप एक के बाद दूसरी किक को छोड़ करके भी आप इसको यूज यहाँ पे कर सकते हैं।
अब इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेना है, सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको डुप्लीकेट फाइल बना लेना है। अब इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसको आपको डुप्लीकेट फाइल बनाना है, फिर इसको आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चार घुंघरू हैं इनको आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में इसको आपको कर लेना है डुप्लीकेट, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सबसे पहले हम करते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कर लिए हैं। जो फालतू का हमारा घुंघरू है इनको हमें डिलीट करना है यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे ट्रैक बनाना है टोन का, जो अक्सर भोजपुरी गानों में यूज होता है, यहाँ पे इसको लेकर आना है और यहाँ से आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है दोस्तों। न्यू दोस्तों इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि दोस्तों ये वाला हमारा बना हुआ है ट्रैक, ये देख सकते हैं सबसे नीचे ये हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। अब सुनते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रैक यहाँ पे बना करके बता दिया हूँ कि किस तरह से आप अपने भोजपुरी गाने का ट्रैक कैसे बनाएंगे 80 BPM के ऊपर, ठीक है। तो इतना आपको कंप्लीट कर लेना है, फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप इस पर अपना खुद का म्यूजिक कैसे कंपोज करेंगे। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी भोजपुरी गाने का जो म्यूजिक बनाते हैं तो इसके लिए आप कौन सी VST प्लगइन्स का यूज़ करेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्वर प्लग लूँगा, स्वर प्लग है, नेक्सस प्लगइन है, तो कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्सस प्लगइन्स लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस पर हम मास्टरिंग करते हैं, और मास्टरिंग करने के लिए थोड़ा सा हम इसको वोकल को उठाने के लिए हम कुछ इस तरह से यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। और बाकी इस पर आप अपना इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मेरा मोड डिले है, वेव का प्लगइन्स है, तो मैं वेव का प्लगइन्स नहीं यूज करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वेव का प्लगइन्स नहीं होगा। और यहाँ पे मैं डायनामिक्स में जाऊँगा, यहाँ पे मिक्स माइजर जो QVS 5 का ही प्लगइन्स होता है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है वोकल्स को उठाने के लिए, आप इंस्ट्रूमेंट को उठाने के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अब यहाँ पे देख सकते हैं तो इसी के ऊपर हम म्यूजिक बनाना बताएंगे, कोई भी प्रेसेट सेट नहीं करेंगे, चाहे तो आप कोई भी प्रेसेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के ऊपर हम आपको बताते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप के कीबोर्ड से मैंने म्यूजिक बनाना यहाँ पे बता दिया हूँ। आप दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स हैं कुछ आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मैंने लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसी की मदद से मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है। अब इसको आपको आगे पीछे कर देना है, यानी कि जो लेयर में नहीं है, जो बीट में यहाँ पर नहीं बज रहा है, तो आपको इसको बीट में ही यहाँ पर
करना है, ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ पे है, तो चलिए मैं जल्दी से इसको आगे पीछे यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि बीट पे ही आपको रखना है। मैं जल्दी जल्दी में ही इसको कर रहा हूँ। अगर आपके पास मिडी कंट्रोलर है, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, जो बटन होते हैं, उसी की मदद से यहाँ पे बनाया हूँ इस म्यूजिक को। थोड़ा सा मुश्किल होता है म्यूजिक बनाने में लैपटॉप के बटन से, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास मिडी कंट्रोलर नहीं है। मिडी कंट्रोलर होता तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनता, ठीक है। मेरे पास इतना बजट भी नहीं है कि मैं मिडी कंट्रोलर ख़रीद सकूं। आगे जब पैसा होगा तो मैं मिडी कंट्रोलर ज़रूर ख़रीदूंगा और आपको फुल कंपोज म्यूजिक करना आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप म्यूजिक को कंपोज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बीट है, आगे पीछे हो जाता है, तो आपको इसको बीट पे ही लाना है, ठीक है, बीट पे ले आना है। बाकी कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छा सा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इसका आप करेक्शन करेंगे। तो इसका हम करेक्शन कर लेते, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, करेक्शन ठीक हो जाएगा, तो आपका कैसा बीट के ऊपर जो रिदम मैंने बनाया हूँ उसके ऊपर जब मेरा म्यूजिक बजेगा तो कैसा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे इतना हमने कंप्लीट कर लिया हूँ, अब इसको हम सुन लेते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते, सुनते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना म्यूजिक बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी और प्रेसेट सेट करना चाहते हैं, तो प्रेसेट यहाँ पे और भी कई सारे ऐसे प्रेसेट हैं जो आप उनको सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, दोबारा से हम यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से इसका म्यूजिक बनाएंगे। तो रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है, चलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है, मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। बाकी आप पिच करेक्शन कीजिएगा, सही से इसको कर लीजिएगा। तो चलिए ये हमारा तो कंप्लीट हो चुका है इतना, और आप इसको सुन भी सकते हैं। और दोस्तों इतना अच्छा दोस्तों म्यूजिक बना नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा इसमें ट्रैक पर रिकॉर्ड किया हूँ इस म्यूजिक को, क्योंकि इसमें इतना लैपटॉप के की से बन नहीं पाता, ठीक है। तो इस तरह से आप म्यूजिक जो है आप बना लीजिएगा, ट्रैक के ऊपर ट्रैक बनाइएगा और म्यूजिक इस पर आप कंपोज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 90 BPM का जो ट्रैक होता है उसको आप कैसे कंपोज कर सकते हैं, किस तरह से ट्रैक बना सकते हैं, उस पर किस तरह से म्यूजिक दे सकते हैं, किस तरह से इफेक्ट लगा सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो ये था हमारा म्यूजिक, तो आपने सुन लिया है, ठीक है। बाकी आप मिडी कंट्रोलर से बनाइएगा, इस म्यूजिक को कंपोज कीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा ये बीट पे रिकॉर्ड होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि कौन कौन से म्यूजिक प्रोडक्शन वाले जो BST हैं, जिसकी मदद से आप अपना म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी।